भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति एवं युवा भारत जालंधर की ओर से पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री देवी तला मंदिर में जड़ी बूटी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से गो सेवा मिशन के अध्यक्ष पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज, विधायक रमन अरोड़ा, श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस अवसर पर गिलोय, तुलसी, एलोवेरा, अश्वगंधा, आंवला एवं नीम के लगभग 1111 औषधीय पौधों का वितरण किया गया। पूज्य स्वामी जी ने बताया कि वर्तमान में आयुर्वेद को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित स्थापित करने का गौरव पूज्य आचार्य जी को जाता है, तथा विधायक रमन अरोड़ा ने बताया कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा हेतु अधिक से अधिक औषधीय पौधे लगाने चाहिए तथा वृक्षारोपण पर प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। जिला प्रभारी पतंजलि योग समिति अजय मल्होत्रा द्वारा आए हुए सभी गणमान्य संगठनों के पदाधिकारी, योग शिक्षक एवं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया गया। इस अवसर पर राज्य कार्यकारिणी सदस्य संजीव शर्मा, जिला प्रभारी भारत स्वाभिमान सुधीर सक्सेना, जिला प्रभारी पतंजलि योग समिति अजय मल्होत्रा, जिला प्रभारी युवा भारत अमरजीत सिंह बिट्टू, सतविंदर सिंह कुंदी, सर्वेश चड्डा, दास महेश, रमेश जुग, सुरेंद्र सिंह, सुभाष बांसल, जथेदार उजागर सिंह, भूषण कोहली, गुलशन सुनेजा, दीपक खोसला, देवकालिया, सपना जैन, सरबजीत कौर, वरुण जैन आदि उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनोजिया की रिपोर्ट। हमारे उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध तीर्थ देवी तला मंदिर में इस समय सर्वदेवी गुरु माता की सेवा रक्षा देश व विश्व के मंगल हेतु आसरी तामसी शक्तियों का नाश हो आप में सद्भाव हो, मानक नाम जब की कला तेरे भारत का सत्य का भला सर्वे भूमि सब निरोगी हों, सभी सुखी हों, इसी पूर्व ऋषि को लेकर के परम दयालु गोस्वामी तुलसी दास महाराज जी का 40 दिवसीय जयंती महामहोत्सव भगवत राधा महायुद्ध मनाया जा रहा है। शुभ संकल्प का बहुत बड़ा फल होता है। पूर्व समय में हमारे ऋषि मुनियों गुरु बनाए गौ माता सनातन भूत संस्कृति मानवता इंसानियत की रक्षा भगवत राधना के बल से करें। देव और शिवा मुझे शुभ कर्म से मिलते हैं। दर्शन पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, छत्रपति शिवाजी, संत गुरु रामदास जी, अनेकों अनेक ऐसे उदाहरण हैं। माँ भगवती जी गंगा भगवान के नाम के बल से पूर्व समय में भी हमारे महत्वपूर्ण गुरु ने अपने कार्यों को सिद्ध किया है, भगवत की रक्षा करी है। वर्तमान समय में इसी पुष्प उद्देश्य को लेकर के देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के सभी माँ के लाल सेवकों के द्वारा सभी शहर के प्रतिनिधि सभी शहर की सेवा राजनीतिक पक्ष को लेकर के सामाजिक पक्ष को लेकर के सभी जितने भी महानगर के वासीजन हैं सबका इस आराधना के अंदर में पूर्ण सहयोग है। हमारे इस शहर की शोभा समय समय पर धार्मिक आयोजनों के द्वारा माँ भगवती गंगा मंदिर की सेवा करने वाले श्री रमन अरोड़ा जी और भी जितने हमारे शहर के निवासी जन हैं की कृपा से ही ऐसे हो रही हैं। माँ छोटू माली जी माँ जी मिठी गोद बैठे सारे ही मेरे
वीरा नू खास करके स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज जिन्हों की अध्यक्षता दे 40 दिवसीय श्री तुलसीदास जी महाराज जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा जिदे लगातार 40 दिन सवेरे शाम श्री राम नाम का जाप हो रहा। सब तो पहला तो महाराज जी के चरणों के मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता कि जिन्होंने जलंधर की नगरी में पवित्र करने वास्ते अपने जो चरण जलंधर के 40 दिन रखने उन्होंने वास्ते मैं बहुत बहुत इन्हों का धन्यवाद करता। और दूसरा मेरे पिता तुल्य श्री राजेश वीर जी जिन्हों के आशीर्वाद हेठ मैं अज इस जगह के उत्ते पहुंचा इन्हों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता इन्होंने मुझे बुलाया। और श्री बालकृष्ण जी महाराज योग गुरु जिन्हों का अच्छे जन्म उत्सव के उपलक्ष्य के पौधारोहण कर रहे हैं उन्होंने भी मैं अपने वालों बहुत बहुत बधाई दी। सारिया गलों का एको सार है जी कृष्ण जी महाराज जी ने जो जलंधर के जो जलंधर की नगरी के जो इतिहास रच रहे हैं यह अतुल्य इन्हों दे देनदारी जी है जो इन्हों की देन है वो पूरा जलंधर नहीं दे सकता। हमारे विधायक साहब श्री रमन अरोड़ा जी का और मैं आभार कर प्रकट करना चाहूँगा हमारे बीच में फगवाड़ा से आए हुए हमारे पतंजलि परिवार के श्री दीपक खोसला जी कालिया जी और भी उनके जितने भी साथी बहनें भाई आए हैं उनका भी यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद।